नमस्कार, हुकूमत एक्सप्रेस समाचार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में पशु तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गश्त पर निकली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अभियुक्त फरार हो गए। अपराधियों की धरपकड़ के जारी अभियान में जुटी कोतवाली पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ भी अभियान छेड़ दिया है। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी धर्मपाल सिंह ने टीम के साथ बुलंदशहर से आ रही स्कोटा गाड़ी जो गोवंशीय मांस ला रही थी उसका पीछा किया तथा कोतवाली पुलिस ने गवा रोड पर मुठभेड़ के बाद आमिर पुत्र मुस्तकीम निवासी लालपुर कनेडा रोड हसनपुर जनपद अमराहा को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जबकि शाबू पुत्र बाबू निवासी उधारी थाना सेद नगली जिला अमरोहा व चमन निवासी मलकपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलंदशहर फरार हो गए। जी, ये जनपद संभल में पशु तस्करी और जो गौवध है इसके खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल रात में मीटिंग की गई मेरे द्वारा थाना संभल में, जिसमें एडिशनल एसपी सीओ और संबंधित थाने के 8-10 थाने जो हमारे मुख्य रूप से इससे प्रभावित हैं उन सभी थानेदारों को बुला करके एक मीटिंग की गई और इसी क्रम में कल दबिश दी गई थी। जो चेकिंग सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था उसी क्रम में ये निकल के आया कि हमारी जो टीम थी संभल की उन्होंने घेराबंदी किया और घेराबंदी में स्कोडा गाड़ी में पशु तस्करी करके ले जाया जा रहा था, जिसको पकड़ा गया है। उसमें एक अपराधी मौके से पकड़ा गया है और दो अपराधी उसके साथी थे जो फरार हो गए हैं, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ऐसा अभियान यहां लगातार चल रहा है। कोई भी जो पशु तस्कर है, अवैध पशु तस्करी कर रहा है या काउ स्लॉटिंग कर रहा है, इन सब में इन्वॉल्व होने वाले अपराधियों के विरुद्ध सघन कार्रवाई की जाएगी। लगातार ये अभियान जारी रहेगा और उनके ऊपर गुंडा गैंगस्टर और NSA की भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो पशु तस्करी या गौ तस्करी से संबंधित है, उन सभी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसी बात के लिए सभी को सेंसिटाइज किया गया है और सभी टीम हमारी सक्रिय रूप से इसमें कार्रवाई कर रही है। घरों में क्या स्लॉटर हाउस चलाने की कोई ऐसी सूचना, ये जहां भी ऐसी सूचना आएगी घरों में स्लॉटर हाउस, अवैध स्लॉटर हाउस या कोई भी बूचड़खाना जो इलीगल है, उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई होगी और बहुत ही तगड़ी और प्रभावी कार्रवाई होगी जिससे उनको अंकुश लगाया जा सके। वो NSA गैंगस्टर जो भी विधिक धाराएं हैं हमारी उनके अधीन कार्रवाई होगी। वैसे अभी तक ये अभी कार्रवाई में लगातार चल रहे हैं और कोई भी ऐसा संज्ञान में नहीं आया है। फिर भी अगर कहीं संज्ञान में आता है या किसी की हिम्मत होती है तो उसको कानूनी तरीके से कार्रवाई करके उसको ये बताया जाएगा कि ये इलीगल है तो इलीगल है, उसको किसी भी आधार पर रोका जाएगा। सर, आज की मतभेड़ में कोई घायल भी है? हाँ,